उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भाजपा प्रदेश मीडिया के पद अधिकारियों की कार्यशाला शुरू हो गई है। बता दें कि शहर के एक निजी होटल में इस कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी जिलों के सोशल मीडिया के पद अधिकारी शामिल हैं। वहीं आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को लेकर चर्चा की जाएगी, साथ में सोशल मीडिया के टूल को 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरह से इस्तेमाल किया जाना है, इसको लेकर भी दिन भर विचार मंथन किया जा रहा है। वहीं आयोजित कार्यशाला को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जिस तरह से सोशल मीडिया एक सशक्त प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरा है, ऐसे में कार्यकर्ता केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं को सोशल मीडिया टूल्स के माध्यम से जन जन तक कैसे पहुंच सकते हैं, उसको लेकर विचार किया जाएगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, मीडिया कार्यशाला है और मीडिया का आज के राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बड़ा महत्व हो गया है। तो हमारे अनेकों जो मीडिया से जुड़े हुए केंद्रीय पदाधिकारी अनिल बोरी जी इस पर रहने वाले हैं। कौन कौन से विषय राजनीतिक विषय महत्वपूर्ण समाज के बीच में जाने चाहिए, उन सब विषयों को लेकर चर्चा होगी। रणनीति का हिस्सा है और हमने पूरे प्रदेश के मीडिया के जो हमारे कार्यकर्ता हैं जिनको इसमें जोड़ा गया है, उन सबको इसमें आमंत्रित किया है। रूटीन वर्कशॉप है, इस तरह के वर्कशॉप हमारी समय समय पर होती रहती हैं। तो आज हमारे जो पूरे प्रदेश से जो कार्यकर्ता आए हैं, उन कार्यकर्ताओं को हम लोग मीडिया और सोशल मीडिया की जो भूमिका है और उसका किस तरह से हम लोगों को बचना चाहिए किन चीज़ों से, और किन चीज़ों को हमको फास्ट मूविंग में आगे बढ़ाना चाहिए, और किन विषयों को जो हमारी आइडियोलॉजी है उसको आगे ले जाना चाहिए, हमारे केंद्र सरकार की राज्य सरकार की योजनाओं को किस तरह से हमको प्रेजेंट करना चाहिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किस तरह से दुनिया के अंदर काम कर रहे हैं, देश के अंदर काम कर रहे हैं, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये सारे विषय के टिप्स जो है हम कार्यकर्ताओं को देंगे और वो जनता तक एक एक विषय को ले जाएंगे।